अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ चिकन चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बड़े ही मजे के बनते हैं ये कबाब। आप इसे पाव के साथ और ग्रीन चटनी लगाकर खाइए या फिर इसे खाने के साथ खाइए, दोनों के साथ ही इसका कॉम्बिनेशन बड़ा ही अच्छा बनता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है, इसका पानी अच्छी तरीके से ड्रेन कर दिया है। और उसके बाद में ये सारे मैंने मसाले लिए हैं, ये कुटा हुआ धनिया, नमक, गरम मसाला, हल्दी और जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें डाल लेंगे। एक अंडा डाल लेंगे, हरा धनिया डाल लेंगे और आटा डाल लेंगे। आप आटे की जगह पर बेसन या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं ये गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो रख लीजिए, नहीं तो 15 मिनट के लिए रख लीजिए फ्रिज में। मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है और उसके बाद में उसको मिक्स करके आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज से बाहर निकालने के बाद इसमें बारीक कटे हुए कांदे और बारीक कटे हुए टमाटर डालना है। टमाटर में से सीड और इसका जो पल्प होता है वो उसे निकाल लेना है और कांदे को इस तरीके से हम ऑमलेट में डालते हैं वैसे कट करना है और ये इसमें मिक्स कर लेना है। हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर कबाब को शेप देना शुरू करते हैं। तेल गरम हो गया है, अब हम कबाब फ्राई करना शुरू करते हैं। एक साइड से पक गए हैं, अब इसको टर्न कर लेंगे। दोनों ही साइड से पक गए हैं कबाब, अब हम इसको निकाल लेंगे और हमारे चपली कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। बड़े ही मज़े के बने हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।